ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है हिंदुस्तान और कहें तो दुनिया के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रहान से। डॉक्टर त्रहान, कुछ आपके शौक, कुछ अरमान, आपने जब पढ़ाई शुरू की क्या आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और एक ऐसा डॉक्टर जिसको हिंदुस्तान कहें तो अदब करेगा? नहीं, ये तो खैर डॉक्टर बनने का ही सपना था या कुछ और सपने पाल रखे थे बचपन में? डॉक्टर बनने का सपना तो था, इसलिए था मेरे को लगता है क्योंकि मेरे दोनों मदर और फादर दोनों डॉक्टर थे। अच्छा। दोनों ही हम पाकिस्तान से आए थे तो बिना पैसे के थे, छोटे से फ्लैट में उनको हम कनॉट प्लेस में रहते थे, दो रूम में वो प्रैक्टिस करते थे, एक रूम में हम चार जने रहते थे। तो मुझे उस अर्ली डेज में जब मैं 4-5 साल का था ये प्रभावित हुआ हूँ मेरा ख्याल। वो विभाजन का दंश भी झेला था परिवार ने? हाँ, बहुत, बहुत। भारत पाक विभाजन? हाँ, बहुत। वो कुछ स्मृतियां, कुछ दर्द सीने में तारी है अभी? हाँ, मेरे को तो फिर नहीं, क्योंकि जैसे ये तो पता है कि घर में खाना नहीं कम होता था या कुछ फ्रूट नहीं आता था या ऐसी बातें तो कुछ थोड़ी बहुत याद है, पर मैं छोटी उम्र थी। पर ये जरूर था कि लोग आते थे, तकलीफ में आते थे और हंसते हंसते जाते थे इलाज करा के। डॉक्टर त्रहानी मानते हैं कि जहां डॉक्टर का काम खत्म होता है फिर दुआएं हैं ईश्वर की रह जाती हैं पेशेंट के लिए। हाँ, ये मानते हैं? हाँ, इस दर्शन में यकीन है डॉक्टर त्रहान को भी? यस यस यस। और आपने पूछा कि और शौक रखते हैं जी? हाँ, हर चीज का, म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और पिक्चरें जैसे अब देखी, कई देखी हैं, आरक्षण जैसे वो जैसे है, पीपली लाइव थी, राजनीति थी, बहुत बढ़िया फिल्म। अब नई बनी है जो हंसी मजाक के लिए अच्छी है, वो है विकी डोनर। विकी डोनर जी का भी अभी चर्चा है। नेक्स्ट टाइम ट्वाइस। थोड़ा देख कर जा। सर, रेट बढ़ा दो मेरा। 60 और 70 के दशक का सिनेमा जो आमतौर पर चर्चा होता है, तो वो कोई फिल्म जो आपको याद आती हो, बेतरह याद आती हो, और उसका कोई गीत जो याद आता हो, कोई दृश्य याद आता हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब से मैंने, पता है, मुगले आजम कम से कम 6-7 बार देखी। क्या बात, क्या बात। और उसमें वो जो था, जो शीश महल में था, तेरे पनघट पे, नंदलाल छेड़े, तो उसके क्या क्या मीनिंग थे। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी बनी थी वो। पर जो रोज गुनगुनाने वाला है वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो इसे अगर तरन्नुम में थोड़ा सा और बिल्कुल उस मिजाज में गाएं, इतना माहौल भी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे। तो चलते चलते 4 सवाल, एक लाइन का सवाल और एक लाइन का जवाब। डॉक्टर त्रहान को कौन सा हीरो या हीरोइन पसंद है? देखो, आमिर खान जी एक बहुत बढ़िया ओवरऑल हीरो है। अच्छा, तो ये मूवीज का पूछा आपने जी। हाँ, ये तो। और हीरोइन में डॉक्टर त्रहान को कौन पसंद है? मेरे को मधुबाला कीपर, और कभी मतलब 12 साल की उम्र में एक बार उनको मिला था। अच्छा, और बाकी मिलने का भी ये अवसर मिला? हाँ, जब काला पानी की शूटिंग हो रही थी जी। पर उसके बाद देखा नहीं क्योंकि मैं अमेरिका में था जब उसकी उसका देहांत हो गया। पर उसकी जो अंदाज था ना वो बहुत ही क्लासिक था। देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। और आज की हीरोइन में अगर आज की हीरोइन तो सब मतलब कागजी हैं सारी। वो कौन सा राजनेता पसंद है आजादी के पहले, आजादी के बाद, जिसका नाम आते हैं सैल्यूट करने को जी चाहता है? देखो, राजनेता तो अपना एक कलाम था, प्रेसिडेंट वो था, वो है आदमी। बाकी तो अब कुछ नेता अपने आप को कहीं ना कहीं गिराई लेते हैं, तो राजीव गांधी से फिर भी जी मतलब मेरे को ऐसा वो फीलिंग होती थी कि बहुत ह्यूमन है, ह्यूमन है। हाँ, वो बेचारा मारा गया, आज के दिन उसको बोला गया उसको पैसे नहीं मिले। राइट, उसकी मौत हुई उसी चक्कर में कि बोफोर्स की वजह से वो इलेक्शन हारा, उसकी एसपीजी गई
एक जन विक्षोभ बढ़ा और फिर नुकसान हुआ। लेकिन ये हाँ, अगर जो हो सकता है कि हिंदुस्तान का नक्शा डिफरेंट होता आज तक, अगर जो बच जाता। डॉक्टर त्रेहान से तीसरा सवाल, कौन सा खिलाड़ी डॉक्टर त्रेहान को पसंद आता है और किस फील्ड का, क्रिकेट का, फुटबॉल का? मेरे को सबसे अच्छा खिलाड़ी जो लगता है वो अपना जिसको कहते हैं द वॉल, राहुल द्रविड़। चलते चलते चौथा सवाल, डॉक्टर त्रेहान से अगर यह पूछा जाए कि अगर उनके ही हाथ में पूरी कमांड हो और मौका मिले कि कुछ ऐसा करना है इस देश के लिए और पावर भी हो उनके पास, तो डॉक्टर त्रेहान के पास कौन सी सोच है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा एजेंडा होगा सबसे पहले? देखो, सबसे पहला काम जो ये है कि इसकी करप्शन बंद करके और डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करूँगा। सो ये चीज़ है कि ये किसी तरह हमें अपना डिलीवरी सिस्टम ठीक रखना है कि जो उसके अंदर लीकेज है उसको कैसे बंद किया जाए, और लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, ये नहीं घर में बैठ के नहीं होता। चलिए, एक गायकी के तौर पर कौन सा प्रिय गायक है डॉक्टर नरेश त्रेहान का, गायक या गायिका, किसका कलाम बहुत सुनने में मजा आता है? किशोर कुमार। किशोर कुमार का कोई भी एक कलाम गुनगुनाते हुए बस है? चलती का नाम कहते हैं प्यारे, पम पम पम, चलती का नाम गाड़ी, और कहें तो चलते चलते में भी चलते रहे डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ हम। लेकिन डॉक्टर नरेश त्रेहान की खास बात ये कि जमीनी सोच रखते हैं, ज़मीन पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, और कई बातें जो एक ख़ास बात कि डिलीवरी सिस्टम इस देश का ठीक हो, यानी कि जो सोचा जाता है, जो बुना जाता है, जो योजनाएं बनती हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचे, और शायद इसी से जान आ जाएगी हिंदुस्तान में, यही प्राण वायु भी बनेगा हिंदुस्तान के लिए। सही कहा हमने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहान, आप चलते चलते में आप इतनी देर हमारे साथ रहे और बातें। चलो अभी इन लोगों का, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ चलते चलते में ये बात और मुलाकात आपको कैसी लगी हमें यह जरूर लिख भेजिएगा, feedback@moltv.org। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से, और उसके साथ भी करेंगे चलते चलते में कुछ बातें और मुलाकात। थैंक यू। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाजत, नमस्कार।